हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो गाइस यार, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि BGMI वापस आ चुका है, वो भी प्ले स्टोर पे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, इसके लिए सॉरी। बट यहाँ पर देखो, जब हम BGMI को सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है फ्री फायर मैक्स, बट उसी के नीचे यहाँ पे BGMI भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप आई डोंट नो कि भाई फ्री फायर नॉर्मल कब वापस आएगा, बट यहाँ पे BGMI वापस आ चुका है तो यहाँ पे फ्री फायर भी जल्द से जल्द वापस आ सकता है। तो अभी यहाँ से हम आज के इस वीडियो में खेलने वाले BGMI, वो भी कीबोर्ड एंड माउस को यूज करके। तो आज के ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो यहाँ से हम कर लेते हैं BGMI को प्ले, क्योंकि भाई ये लोडिंग में बहुत टाइम लगाता है। और यहाँ पे हम कीबोर्ड एंड माउस से यूज करने के लिए फ्लाइट G1 का यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों को एक कीबोर्ड एंड एक माउस की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। तो यहाँ पे देखो, ये फ्लाइट G1, इसका मैं बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को कीबोर्ड एंड माउस का भी एक पोर्ट देखने को मिल जाएगा दो, और यहाँ पे ये इसका अपडेट करने का एक स्विच है, और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का स्विच है, और साथ में यहाँ पे आप लोगों को 5 वोल्ट के पावर से यहाँ पे इसको पावर देना पड़ता है। तो आप लोग चाहो तो पावर बैंक का भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं अभी यूज कर रहा 5 वोल्ट का चार्जर। तो यहाँ पे मैं इसको पावर दे देता हूँ, एंड इसके बाद हम लोग करेंगे इसमें कीबोर्ड एंड माउस को अटैच। तो फटाफट से सबसे पहले तो मैं पावर दे देता हूँ, और यहाँ पे देखो यार, वायर मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे साइड से लाता कि आप लोगों को सेटअप देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमने पावर इसको दे दिया, एंड एक साइड पे सबसे पहले तो इसको ऑन कर लेते। तो यहाँ पर देखो, ये लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले कर लेते कीबोर्ड को कनेक्ट, एंड जैसे कीबोर्ड को कनेक्ट किया तो कीबोर्ड में भी लाइट आ चुका है। और यहाँ पे अब हम कर लेते अपने माउस को कनेक्ट। तो यहाँ पे जो मैं 100 कीबोर्ड एंड माउस का यूज़ कर रहा हूँ, ये अलग अलग से बाय करना पड़ता है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये हमने कीबोर्ड एंड माउस को भी अटैच कर दिया, और BGMI यहाँ पे लोड होने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लेता है। तो अभी यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसका पूरा फुल सेटअप। तो यहाँ पे देखो, फ्लाइट G1 को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होगा फ्लाइट G गेम सेंटर एप्लीकेशन। तो ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे अभी हम इसको कर लेते हैं ओपन, एंड जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको ओपन किया तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो अभी तो ये लोडिंग हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। एंड जैसे हमने यहाँ पे वेट किया, तो अब देखो सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को फ्लाइट G1 को ही चूज़ कर लेना है, एंड उसके बाद यहाँ से अब हम करते हैं इसको कनेक्ट। तो कनेक्शन यहाँ पे आप लोगों को ब्लूटूथ से करना है। तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन के ब्लूटूथ के सेटिंग में चले जाओ, और यहाँ से आप लोगों को एक न्यू डिवाइस आ जाएगा। देखो जैसे अभी यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक हो रहा है, ये डिवाइस भी ऑन है। तो यहाँ पे जैसे हम स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पे अवेलेबल डिवाइस में यहाँ पे फ्लाइट G1 बन के आ रहा है। तो यहाँ पे हमें इसको सिंपल कनेक्ट कर लेना है, जैसे आप लोग एयरपॉड्स कनेक्ट करते हो या फिर ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करते हो, वैसे यहाँ पे आप लोगों को फ्लाइट G1 को भी पेयर करके कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्शन बहुत ईजी है, यहाँ पे ब्लूटूथ का 4.0 सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण ये थोड़ा भी लैग नहीं करता। तो यहाँ पे अभी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, एंड जैसे हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पे कनेक्शन भी सक्सेसफुली हो गया, और यहाँ पे मेरा जो दो गेम है वो दोनों यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो गया। अगर आप लोगों का नहीं हो तो यहाँ पे ऐड गेम करके आप लोग ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम BGMI को यहाँ पे प्ले करते हैं, एंड जैसे अभी हमने प्ले किया तो देखो अभी तक ये यहाँ पे लोडिंग में ही लगा हुआ है। तो अभी हम फिर से यहाँ पे वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका ऐप आइकन भी बन के आ गया, जो जहाँ से हम इसका की बाइंडिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पे इसको लोडिंग होने देते हैं, और यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर, और गेम के अंदर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले करेंगे हम लोग की बाइंडिंग। तो की बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को जाना होगा कस्टम HUD में। तो यहाँ पे मैंने अभी पूरा फुल लो सेटिंग करा हुआ है, और यहाँ पे देखो अब हम लोग आ चुके हैं कस्टम HUD में, और अब यहाँ से हम लोग करेंगे की बाइंडिंग। तो की बाइंडिंग करना बहुत ईजी है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी इसमें पूरा फुल्ली की बाइंड करके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे अभी हम इन सभी को हटाते हैं और फिर से की बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, अगर आप लोग स्टार्ट करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, पूरा फुल न्यू कर दिया मैंने। और अब यहाँ से की बाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो, जो खाली जगह वहाँ पे आप लोगों को ड्रैग करने, जैसे ड्रैग करते हो जहाँ भी टारगेट है वहाँ पे रख के आप लोगों को जो भी की सेट करना है वो यहाँ पे कीबोर्ड से टैप कर देना है। तो की बाइंडिंग बहुत ईजी है, की मैप बहुत ईजी है, इसी तरीके से आप लोगों का सारा की मैप कर लेना है। तो मैं भी यहाँ से अपने हिसाब से फटाफट से की मैप कर लेता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जो भी बटन जिस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहो उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो, मैं क्यू के लिए weapon 1 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो की बाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो रेशियो है इसको मैं 64 पे रख के हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे मैनुअली इसका जो राउंड टर्न लेता है जॉयस्टिक, उसके लिए ये वर्क करता है। ओके, और यहाँ पे एक साइड में आप लोगों को यहाँ पे जॉयस्टिक वाला, सॉरी यहाँ पे सेंसी वाला मिल जाएगा, तो सेंसी वाला भी यहाँ पे आप लोगों को रख लेना है। और यहाँ पे इस फ्लाइट G1 के अंदर यहाँ पे आपको X एंड Y का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे आप लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे मेरा जो थोड़ा बहुत की मैप बचा हुआ था वो भी मैंने कर लिया, और अब यहाँ से हम लोग फायर बटन के लिए 2 बटन यूज़ करने वाले। ओके,
तो यहाँ पे फर्स्ट तो हमारा नॉर्मल रहेगा और सेकंड है बैकवर्ड। माउस का जो 7 बटन है वो 7 बटन इस फ्लाइट GQ1 में वर्किंग है, मतलब वर्क करता है। और अब यहाँ पे हम लोग 2 फायर बटन यूज़ कर रहे हैं, एक बैकवर्ड और एक माउस का लेफ्ट बटन। ओके, तो यहाँ पे 2 बटन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे अभी हम लोगों को और भी सेटिंग करना है, और वो सेटिंग क्या है वो अभी मैं बता रहा। तो BGMI में रिक्वेल कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हमेशा जब फायर करते हो तो रिक्वेल ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन को ऊपर से नीचे करने के लिए यहाँ पे हम एक और फायर बटन यूज़ कर रहे हैं ऊपर की साइड पे, और इसके जब हम FPS में आते हैं और इसके थर्ड नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे हमें 3 सेंस ही देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर आप लोगों को जो नॉर्मल सेंस आप लोग यूज़ करते हो उसको आप लोगों को सेटिंग से देख के चेक कर लेना है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखो, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेंसेस में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसको लिंक करके स्टेबल भी रख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मैं जितना यूज़ कर रहा हूँ अपने सेंसी को उतना ही हम फायर बटन में भी यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पे फर्स्ट वाला है वो स्क्रीन को नीचे करने के लिए, ओके, और यहाँ पे रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग इस सभी को आप गेम के अंदर सेट कर सकते हो, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो एक्स एंड वाई है इसको आप लोगों ने जो सेंसी में रखा था उतना ही आप लोगों को यहाँ भी सेट करके रखना है, कि आप लोग जब स्कोप करो या फिर फायर करो तब आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो, सेंसी एकदम स्टेबल हो। तो अभी यहाँ से हम लोगों ने ये भी कर लिया, और यहाँ पे हमने नॉर्मल फायर करने के लिए 2 बटन रखा हुआ है, और अभी जो हमने एक बटन सेट किया फायर करने के लिए और रिक्वेल कंट्रोल करने के लिए, तो वो तो अभी पता नहीं चलेगा, हम लोग ट्रेडिंग ग्राउंड के अंदर जाएंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पे अभी नॉर्मली मेरा की मैप हो गया, तो यहाँ पे आप करते हैं इसको सेव। तो सेव करने के लिए यहाँ पे एक नेम टाइप करना होगा, तो यहाँ पे मैं BGMI टाइप कर देता हूँ एंड इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ, एंड आप चलते हैं डायरेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और अब यहाँ से देखो जो हमने बटन सेट किया था, तो यहाँ पे अभी आप लोग देखो, सबसे पहले तो मैं माउस कर्सर हाइड एंड शो करने के लिए बैकवर्ड बटन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके सेटिंग में आके फ्लाई माउस में आके आप लोग यहाँ पे इसमें भी एक्शन वाई माउस कर्सर का सेंस देखने को मिल जाएगा, तो इसे भी आप लोग लिंक करके एक साथ रख सकते हो, स्टेबल रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे जब मैं उस बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा माउस कर्सर ऑन हो जाएगा, जिससे मैं गन भी इक्विप कर सकता हूँ और भी बहुत सारे काम कर सकता हूँ। ओके, जो ऐसे नॉर्मल की मैप ना हो तो उसको मैं माउस कर्सर से कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया, बट अब मैं आप लोगों को मेन ट्रिक बताता हूँ जो मैंने रिक्वेल कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे किया था, वो अभी आप लोग देखो। लाइक यहाँ पर देखो, मैं जब फायर कर रहा तो यहाँ पे ये फायर एकदम स्टेबल हो रहा, लाइक एकदम मस्त हो रहा है, नो रिक्वेल। बट यहाँ पे अगर नॉर्मल आप लोग देखो, नॉर्मल फायर कर रहा तो यहाँ पे स्क्रीन ऑटोमेटिक नीचे मूव कर रहा। तो यही वो सेटिंग था जो मैंने आप लोगों को लेफ्ट फायर बटन को सेट करके बताया था। तो ऐसे आप लोग नॉर्मल फायर करते हो तो आप लोग देखो कि यहाँ पे स्क्रीन ऊपर की तरफ जा रहा, लाइक यहाँ पे रिक्वेल ऊपर की तरफ जा रहा। तो इसी तरीके से आप लोग इसका सेट कर सकते हो अपने गेम के हिसाब से, अपने फ़ोन के हिसाब से, कि आपका फ़ोन में कितना रिक्वेल करता है उसी के हिसाब से आप लोग फ्लाइट GQ1 के अंदर आप लोग रिक्वेल कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने सेकंड वाला जो यूज़ किया था वो अभी नॉर्मल है, बट इसको आप लोगों को लाइक 2x हो गया, 4x हो गया, या फिर जितना भी आप लोग यूज़ करना चाहते हो उन सभी स्कोप के अंदर यूज़ कर सकते हो। लाइक अभी आप लोग देखो, मैं यहाँ से 8x ले रहा है, एंड 8x का हम यहाँ पे सेकंड जो बटन मैंने यूज़ किया था फायर बटन के लिए, उसके लिए हम यहाँ से सेट करने वाले, क्योंकि जितना भी आप लोग जितने भी एक्स का यूज़ करने वाले हो स्कोप, उतना ही आप लोगों का रिक्वेल ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे नॉर्मल हम लोगों का जो थोड़ा सा सेट किया था रिक्वेल कंट्रोल करने के लिए, उसे इसका रिक्वेल कंट्रोल नहीं हो रहा, और यहाँ पे नॉर्मली देखो तो भाई और भी ज़्यादा रिक्वेल कर रहा। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली इसका यूज़ करने वाले, तो यहाँ पर देखो ये तो अभी रिक्वेल करेगा ही, क्योंकि जितना आप लोग जितने एक्स का यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे रिक्वेल करने वाला है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे एक और की लेंगे ऊपर से स्क्रीन नीचे करने के लिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर पे रखेंगे, राइट साइड के ऊपर पे, और यहाँ पे इसके सेटिंग में जाके यहाँ पे जो FPS वाला हमने मोड सेट किया था जो थर्ड नंबर वाले का, उसी पे जाना है, और सेम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितना हम लोगों का सेंसी था उतना ही हमें यहाँ पे रख देना है। और यहाँ पे मेन सेंसी ये रहा ऊपर से नीचे स्क्रीन करने का, रिक्वेल कंट्रोल करने का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको बढ़ा लेते, क्योंकि यहाँ पे 8x का यूज़ कर रहे हैं और 8x में ज़्यादा ही रिक्वेल करता है। तो यहाँ पे अब हम इसको बढ़ा के अब यहाँ पे फायर करते, तो देखो यहाँ पे अभी हुआ कंट्रोल, लेकिन सॉरी मैं तो यहाँ पे अभी लेफ्ट फायर बटन का यूज़ कर दिया था, तो यहाँ पे हमें अभी यूज़ करना था बैकवर्ड फायर बटन का यूज़। तो यहाँ पे अभी मैं फिर से इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे बैकवर्ड फायर बटन का यूज़ करता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे रिक्वेल कंट्रोल हुआ, बट अभी भी थोड़ा सा बाकी है। देखो अभी ये कितना फास्ट ऊपर से नीचे मूव कर रहा है स्क्रीन को। तो मैं तो आप लोगों को बस यही कहूँगा कि आप लोग जिस
अपने हिसाब से यहाँ पे एक सेटिंग कर सकते हो। मैं सिर्फ आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से सारा सेटिंग कर सकते हो, की मैप कर सकते हो। और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तब। तो यहाँ पर देखो अभी रिक्वेल कुछ ज़्यादा ही हो रहा, तो यहाँ पे अभी हम लोग रिक्वेल को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले, स्क्रीन को मतलब नीचे की तरफ खींचने वाले जिससे हमारा रिक्वेल कम हो। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ और सेंसी को बढ़ा लिया है एंड अब देखो तो यहाँ पे बहुत फास्टली यहाँ पे नीचे मूव कर रहा है। और अब यहाँ से फायर करते तो यहाँ पे लगभग मेरा रिक्वेल तो कंट्रोल हुआ। तो इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। तो आप चलते हैं डायरेक्ट गेम के अंदर। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर और यहाँ पे हमारा फुल मैप गेम स्टार्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत सा गेम प्ले करेंगे और साथ में इस डिवाइस के कुछ हाईलाइट फीचर के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इसमें आप लोग कैसे रिक्वेल को कंट्रोल करने के लिए की मैप कर सकते हो, बट यहाँ पे आप लोगों को इसके साथ साथ एक्स एंड वाई का भी सेंसी देखने को मिल जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से एक्स एंड वाई का भी सेंसी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मेनली यहाँ पे आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को फ्लाई माउस का ऑप्शन मिल जाता है, जो यहाँ पे माउस कर्सर का यूज़ आप इन गेम जो भी चीज़ अगर सामान वामान उठाना हो या फिर गन इक्विप करना हो उन सभी चीज़ों के लिए कर सकते हो। बट यहाँ पे आप लोगों को इस डिवाइस के अलावा भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे डिवाइसेस भी देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पे इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा और इससे भी कम प्राइस में। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो के ऊपर अगर 2K लाइक्स टारगेट कंप्लीट करते हो तो मैं उन सभी कन्वर्टर्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तब। तो अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और इस सेटअप को बाय करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और इस सेटअप पे आप लोगों का मेनली कमेंट यही होगा कि क्या हमारा इसमें आईडी बैन हो जाएगा या फिर सेफ रहेगा। तो इस सेटअप के ऊपर आप लोगों का आईडी 110% सेफ है, आप लोगों का आईडी बिल्कुल भी बैन नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिक है, एक ही इसका रीज़न है कि आप लोग जो इस कन्वर्टर का यूज़ करते हो या फिर चाहो तो आप पांडा माउस प्रो का भी यूज़ कर सकते हो, बट इसमें आपको उसमें रिक्वेल कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सेटअप कर सकते हो कीबोर्ड माउस से गेम प्ले करने के लिए। बट यहाँ पे आप लोग जब फ्लाइट जी Q1 का यूज़ करते हो और उनसे भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, फ्लाइट जी गेम सेंटर इसमें यूज़ हुआ एप्लीकेशन, तो ये सब यहाँ पे फ्लर्टिंग विंडोज़ में वर्क करता है। जैसे यहाँ पे ये बैकग्राउंड में चलता है बट यहाँ पे इसका एक फ्लर्टिंग आइकन रहता है जिसके कारण हम की मैप करके इसमें गेम प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ये क्लोन नहीं बनाता किसी भी गेम का, यहाँ पे अलग से क्लोन जो जिस एप्लीकेशन में अगर क्लोन बना के की मैप होता है उसमें आईडी बैन होने का पूरा फुल्ली चांस रहता है। लाइक ऑक्टोपस एप्लीकेशन, तो वो क्लोन बना के वर्क करता है इसलिए उसमें आईडी बैन हो जाता है, बट यहाँ पे ये फ्लर्टिंग में काम करता है और ये क्लोन नहीं बनाता है, डायरेक्ट गेम प्ले करता है। तो इसीलिए आप लोगों का आईडी इसमें 100% सेफ है, आप लोगों का आईडी बैन नहीं होगा। ओके, तो बस यार आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 2K लाइक टारगेट है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।